हाँ जब तबीयत खराब होगी पता चल गया। ओए हैप्पी बर्थडे लगाओ, हैप्पी बर्थडे। अरे ब्लॉग बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग, आज 10 फरवरी और आज हमारे भैया की आदि सब उठ उठ के जा रहे हैं। ये भी सोया है, वो भी सोया है, वो उठ गया, वो उठ गया। ये मेहंदी लगा रही, चाइना मेहंदी। ये मेरा ब्रो बैठा हुआ है, वो धोके आ रही है। मेरी मेहंदी तो दिखा दो। हाँ देखो भाई देखो, वो ओ, वाह। पहले प्लीज मुझे भी लगा दो, मैंने बस इसमें लगाया है। ये मैंने खुद लगाया है, और ये मेरी बेटी ने लगाया। थोड़ी सी पीछे मैं सुंदर लग रही हूँ यार सुबह सुबह। ओए छोला मैं सुंदर लग रही हूँ सुबह सुबह। चलो आप तब मिलेंगे जब रस्में शुरू होंगी, तब तक के लिए ब्लॉग को देखते रहो। ओके ब्लॉग बना रही हूँ ब्लॉग। ए हीरोइन, अरे यार दीदी उनसे पूछना था क्या हम जाएंगे, क्या हम बारात जाएंगे। तो अभी मैं मतलब हम लोग सो के उठे, आपने देखा, फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, ब्रश वगैरह कर लिया। अब हम लोग ना चाय और नाश्ते के लिए अपने पास वाली दुकान पे जा रहे हैं, लेकिन ये बात घर में किसी और को ज़्यादातर पता नहीं होगी, भैया लोग को पता है बस। और जब मेरा वीडियो देखेंगे सब सबको पता चलेगा कि हम लोग चाय नाश्ते के लिए जाते थे, और हम कल भी गए थे और हम आज भी जा रहे हैं। ये मेरे साथ गुनाह में शामिल है, और ये कली, और एक पहले से वहाँ टपक गया है, वो गया है चाय का ऑर्डर देने, और हम कल साथ में गए थे। हम चार के साथ डिब्बू था, बस डिब्बू यानी दिव्यांशु, सुजल सिंह वो पानी पी रहा है वहाँ पे। गाइस तो अब हम मिलते हैं बाद में, चलेंगे। तो गाइस मुझे आपको एक खुश खबरी देनी है, जो कि तुम्हारे लिए भी होगी और मेरे लिए भी। इसको ऊपर लेके जाओ। हम लोग जा रहे हैं बारात में, लड़कियां जा रही हैं बारात में। रात को सैड न्यूज थी पर अब गुड न्यूज है, ये जा रहे हैं। गाइस मुश्किलों को चीरते हुए और कुछ लोगों को बेवकूफ बना के हम लोग यहाँ आ गए। हमारे भैया पूछे कहाँ जा रहे हो, हमने कह दिया भैया वो पार्लर है ना वहीं पे, आंटी से कुछ सिलवाना है, पर वैसे हमें वो काम करवाना भी है, तो अभी यहाँ से हम वहीं जाएंगे।
आज हमारे भैया की बारात जाएगी। और ये रहे वो भैया जो मस्त बनाते हैं समोसा, चाय और लौंगलाता, अगर आपको दिख रहा हो ये होता है जो बनारस में ही मिलता है, और भी जगह मिलता होगा बट बनारस में मिलता है ज़्यादातर। और ये है चार तीन गधियाँ जिनके साथ में घूम रही हूँ, इनकी वजह से ही मैं आई हूँ। कल भी इन्होंने जीत ली थी कि खिला 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 चाय समोसा नाश्ता करवा, इसीलिए मैं आई थी। और आज तो हमारी बुआ ने हमें स्पेशल दिए खाने के लिए। भाभी घूंघट हटाओ, आओ आओ जल्दी आओ जल्दी। हम लोग मेन गांव में ना, क्योंकि हम नारा करते रोड पे हैं, बिल्कुल ऑन रोड पर हम गांव में आ रहे हैं किसी रस्म के लिए, सब लोग आ रहे हैं। किस नाम से है दिया पर दीदी लोग सब लोग आ रहे हैं। अब बस हमें जाके बारात के लिए तैयार होना है फटाफट। बारात थोड़ी जल्दी निकलेगी क्योंकि बहुत दूर जाना है। और ठीक है फिर अभी दिखाऊंगी आपको कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं और ये सब सब दिखाऊंगी मैं आपको। हम लोग मतलब मैंने आपको बोला था कि पूजा हो गई, उसके बाद मैं नहाई और नहा ली, खाना भी खा ली। और अब सब लोग बारात के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहे, तो हम लोग भी तैयार होने आए हैं। ये हमारे गांव में एक भाभी जी रहती हैं, उनका पार्लर है जस्ट हमारे घर के सामने। हाँ, और वो हमारे बाल बाल स्ट्रेट कर देंगे। सिर्फ हम बाल स्ट्रेट करवाएंगे, हम बाल स्ट्रेट करवाएंगे। और एक मेरी सिस्टर है वो अपना ब्लाउज वगैरह थोड़ा ठीक करवाएगी। उसके बाद हम या तो सोचेंगे कि सारा सामान लेके यहीं आके तैयार होकर तब यहीं से चले जाएं, और या तो घर पे ही तैयार हो जाएंगे। भाभी आप बताइए, यहीं से तैयार होके जाएं या घर पे तैयार हो जाए, या यहीं हो जाते हैं ना? हाँ कभी यहीं है यार, जाएंगे तो फिर घर पे बस तुम्हें लहंगा लुगड़ी।
लास्ट में आप लोगों को आगे की गाड़ियाँ दिखा पाती। जैसे मैंने ब्लॉग में दिखाया ना कितनी सारी गाड़ियाँ आई थी और सारी की सारी एक लाइन से जा रही है। अभी हम अपने घर के जस्ट सामने से गुजरेंगे, अगर दिख रहा हो तो। हाँ ये देखिए, ओ वाह। अच्छा यहाँ पीछे लगेगी क्या ये गाड़ी हमारी भी, फिर एक साथ निकलेगी सारी, ऐसा कुछ है क्या? वाह इधर भी गाड़ियाँ, इधर भी गाड़ियाँ हमारी, इधर भी, इधर भी। ओहो सनी भैया देखो अकेले टहलते हुए जा रहे। दीदी हाय बोलो मेरे व्लॉग में, हाय बोलो ट्विंकल, हाय बोलो कली। किन लोगों ने, किन लोगों दीदी? Yeah.